शिवपुरी के जवाहर कॉलोनी में आयोजित एक विवाह समारोह में जमकर हंगामा हो गया। वधु पक्ष का कहना था कि लड़की वालों ने बुला तो लिया, लेकिन न स्वागत किया और न ही कोई इंतजाम किए। इस बात को लेकर स्वागत से फेरों तक बीच बीच विवाद चलता रहा। रात में सोने के लिए जगह नहीं मिली तो विवाद इतना बढ़ गया कि शादी तोड़ने की नौबत आ गई। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहाँ से दुल्हन की विदाई दी गई। जानकारी के अनुसार जवाहर कॉलोनी आईटीआई के पीछे रहने वाली जोशी परिवार की संजय जोशी का विवाह ललितपुर की रहने वाली युवती से हुआ था। विवाह से पूर्व वर पक्ष ने वधु पक्ष को शिवपुरी आने का निमंत्रण दिया और उन्हें बताया कि उनके साथ 100 से 150 लोग आएंगे। दोनों के बीच यह तय होने के बाद विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ और शाम तक ललितपुर निवासी वधु पक्ष अपने 200 लोगों को लेकर शिवपुरी आ गए, जहाँ शुरुआत में ही वधु पक्ष ने स्वागत को लेकर कहासुनी हो गई। बाद में समाज के लोगों ने दोनों के बीच सुलह कराकर विवाह कार्यक्रम आगे बढ़ाने की बात कही। रात्रि में जब भोजन आरंभ हुआ तो वहां भी कुछ अव्यवस्थाएं वधु पक्ष को नजर आई, जिस पर भी उन्होंने आपत्ति की। और रात में जब स्टेज कार्यक्रम से पहले दुल्हन को तैयार कराने के लिए कमरा नहीं मिला तो दुल्हन का भाई आक्रोशित हो गया और उसने हंगामा कर दिया। इस दौरान भी वधु पक्ष की ओर से आए कुछ बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, खुशी खुशी बिटिया का कन्यादान करो। रात में जब फेरे होने के बाद वधु पक्ष के आए लोगों ने सोने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें ना तो सोने के लिए कोई स्थान मिला और ना ही ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तर, जिस पर वधु पक्ष का धैर्य टूट गया और वहां जमकर हंगामा हो गया। हंगामा इतना हुआ कि रात में ही वधु और वर के पक्ष लोग थाने पहुंच गए। वधु पक्ष के लोगों ने वर पक्ष पर आरोप लगाते हुए विदा कराने से इनकार कर दिया। थाने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ जनों को बैठाकर बातचीत की और उन्हें समझाया कि जब सारी रस्में पूरी हो गई है और बहू की विदा करने की तो फिर यह उत्पात क्यों कर रहे हो। जब काफी देर तक पुलिस ने समझाने पर भी दोनों पक्ष नहीं माने तो पुलिस ने कहा कि दोनों पर क्रॉस में FIR दर्ज होगी। इसके बाद दोनों पक्ष राजीनामा करने को तैयार हो गए हैं। विदाई के बाद वधु पक्ष अपने शहर ललितपुर के लिए रवाना हो गए। ये एक पुराने शिवपुरी में एक विवाह समारोह था, जिसमें एक शिवपुरी का एक पक्ष था, जवाहर कॉलोनी में विवाह हो रहा था। एक शिवपुरी का पक्ष था और एक ललितपुर का पक्ष था। लड़की वाले ललितपुर के थे, लड़के वाले शिवपुरी के थे। इनका विवाह समारोह था और वो आज सुबह विवाह संपन्न हुआ, लेकिन कुछ परिवार के कुछ लोग थे, लड़की पक्ष के लोग, जो कुछ नशे में थे, तो उनका कुछ मुवाद हुआ लड़के वालों के परिवार के लोगों से, जिस पर थोड़ा सा माहौल उनका ख़राब हुआ। तो दोनों पक्ष में विवाह के बाद एक मनमुटाव टाइप का होने से ये दोनों पक्ष शादी में विदा करने से इनकार करने लगे, लड़की पक्ष वाले, जिस पर दोनों पक्ष के माता पिता थाने आ गए थे, वर पक्ष के भी और वधु पक्ष के भी, जिन पर आपस में दोनों में बहसबाजी चल रही थी कि हम विदा नहीं करेंगे। और लड़के पक्ष वालों का कहना था अगर लड़की को विदा नहीं करेंगे तो हमारा चढ़ावा जितना जेवर और पैसा हमने दिया वो वापस करें, जिसका भी पुलिस ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को समझाया। तो क्या सर विदा थाने से कराई है क्या? हाँ, दोनों पक्ष को समझाने के बाद लड़की की विदा थाने से लड़के वालों के साथ कराई गई और लड़की पक्ष वाले भी इसमें सहमति जाहिर की इन्होंने, और ये मामले को हमने बड़ी शालीनता से पुलिस ने और अपने एकमत अमली से तो सुलझा कर और लड़की की विदा थाने से कराई थी। संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।